हेलो माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी गुड एंड फाइन। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 झोली भर रहा हूँ बुक को रीड कर लिया था और समझ लिया था, है ना? आज हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है? मौखिक, आप लोगों को ये सब कॉपी में राइट डाउन करना है, ओके? कॉपी में भी आप लोग लिखेंगे, ठीक है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का नंबर है, शांति निकेतन को हम जानते हैं। शांति निकेतन को हम अब किस नाम से जानते हैं? हम लोगों ने जब बुक रीड किया था तो बताया था ना, किस नाम से जानेंगे बच्चों? विश्व भारती के नाम से। तो हम इसमें विश्व भारती के नाम से जानते, तो किस पे राइट सही का टिक लगाएंगे? विश्व भारती। खा नंबर है, महात्मा गांधी को कहते हैं, महात्मा गांधी को बापू कहते हैं ना, तो किस पर टिक करेंगे बच्चों? सही का बापू पर। गा नंबर है, गांधी जी रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास रुके, कितने दिन रुके थे? एक दिन, है ना? तो हम किस पे टिक करेंगे? एक दिन। फिर है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ये आपके आंसर क्वेश्चन है, मैं आपको इसका पीडीएफ बनाकर सेंड करूंगी, ठीक है? राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं? फिर है, लिखित प्रश्न, ये चारों क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर मैं आप लोगों को सेंड करूंगी, ठीक है? किसने कहा किससे, मैं एक याचक हूँ? हम लोगों ने अभी जब बुक को रीड किया था ये शब्द आया था ना, मैं एक याचक हूँ, ये वाक्य आया था। किसने किससे कहा? गांधी जी ने गुरुदेव से कहा, ओके? खा नंबर है, मेरा जो कुछ भी है आपका ही है, किसने किससे कहा? गुरुदेव जी ने गांधी जी से कहा, है ना? भला मुझे आपके प्रेम के अतिरिक्त और क्या चाहिए? ये शब्द किसने किससे कहा? ये वाक्य गांधी जी ने गुरुदेव से कहा। क्या आपकी तबीयत खराब है? मित्र, जो रविन्द्रनाथ जी के मित्र थे वो किससे बोले? गुरुदेव से। कब बोले? जब गुरुदेव लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे उस समय, है ना? फिर देखिए, भाषा बोध में आ जाइए बच्चों आप लोगों। मित्र, मित्र का पर्यायवाची क्या होगा मालूम है आप में से किसी को? मित्र का पर्यायवाची सखा, सखा, मीत या दोस्त, है ना? तीनों हो सकता है, ओके? फिर क्या है? विश्व, विश्व मीन्स संसार, ब्रह्मांड, है ना? फिर दिन, दिन का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? दिवस या वार, है ना? गुरु, गुरु का पर्यायवाची क्या होगा? शिक्षक, अध्यापक और क्या हो सकता है? या आचार्य, ठीक है ना? वचन बदलकर लिखिए, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप खुद से लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? कमरा, ठीक है ना? तो कमरा एक वचन है, तो अभी हमें यहाँ क्या करना है? कमरे, कमरा को बहुवचन बनाना है, ओके? ठीक है। फिर विलोम शब्द लिखिए, विलोम मीन्स उल्टा, ठीक है? आपका ये होमवर्क है, आप लोगों को ये होमवर्क लिखना है, ठीक है? बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर आप मुझसे पूछ लेंगे, ओके? ये देखिए, हम लोगों ने अभी तक जितने 4 लेसन पढ़ा है ना, उन 4 लेसन से रिलेटेड ये क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, जो आप एक बार देखेंगे कि आप लोगों से कितना बनता है, ठीक है ना?
पढ़ लिख कर बच्चे कैसा बनना चाहते हैं, पढ़ लिखे बच्चे महान बनना चाहते हैं, है ना। रेलगाड़ी में गांधी जी के पास कौन आया था, गार्ड आया था ना। नवनीत को किसने समझाया, नवनीत को माँ ने समझाया। समानार्थक शब्द लिखिए, समानार्थक शब्द का मीन्स क्या होता है बच्चों, जिनके अर्थ समान हो, है ना। बस नाम चेंज हो, नाम अलग हो लेकिन अर्थ समान हो, ठीक है। भगवान, भगवान को और हम किस नाम से जानते हैं, ईश्वर, है ना। बहादुर, बहादुर मीन्स बलशाली, है ना, बलशाली। बली मीन्स बलवान। पर्वत मीन्स पर्वत, पर्वत मीन्स शिखर। विनती मीन्स प्रार्थना। निराश मीन्स उदास। प्रकाश मीन्स उजाला। पुत्र मीन्स बेटा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्या है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम मीन्स उल्टा, जैसे यहाँ इकट्ठा दिया हुआ है, तो इकट्ठा का पृथक मतलब अलग अलग, है ना। तो ये आप लोग एक बार अपने से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप खुद से करिए, नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मजा तो उसी में आता है, किसने किससे कहा, यह मुझे मेरी माँ ने बताया है। किसने किससे कहा, माँ मुझे गुब्बारों के लिए पैसे चाहिए, ये किसने किससे कहा। एक बार आप अपने से इस प्रतिदर्श पेपर को सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। फिर हम चैप्टर 5 रीड करेंगे, ओके ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।